नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, बिग बॉस के घर में जब कोई कप्तान बनता है तो कप्तानी के साथ उसको मिलती हैं ढेर सारी सहूलतें, यानी कि कुछ अधिकार मिलते हैं कप्तान को, किसी को बचाने का, किसी को नॉमिनेट करने का, जो लोग घर में उसको इरिटेट या जिससे उनको ज्यादा खुन्नस है। तो अब हिमांशी खुराना बनी बिग बॉस के घर की कप्तान, तो हिमांशी खुराना को खुन्नस तो सबसे ज्यादा शहनाज गिल से है, लेकिन कुछ और भी लोग हैं जिनके ऊपर उसको लगता है। तो वो ये समझदारी की गेम भी है, शहनाज के ऊपर खुन्नस निकाल के भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि शहनाज गिल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। तो इस तरह से हिमांशी खुराना चलती है एक अपनी जबरदस्त चाल और स्टेट नॉमिनेट कर देती है माहिरा शर्मा को, क्योंकि उनको लगता है कि माहिरा शर्मा डिजर्व नहीं करती है बिग बॉस के घर में रहना, और माहिरा शर्मा की उतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है। अगर वो नॉमिनेशन में आ जाए, नॉमिनेशन के चक्कर में फंस जाए, तो माहिरा शर्मा हो सकती है आउट। दोस्तों, आप भी कमेंट कर करके कितनी देर से पूछते थे ना, आप एक दो हफ्ते से आपने पूछना थोड़ा कम कर दिया है कि माहिरा कब जाएगी, माहिरा कब निकलेगी, माहिरा कब निकलेगी। अब दोस्तों, हिमांशी खुराना ने सीधे सीधे माहिरा शर्मा को कर दिया है नॉमिनेट। अब माहिरा शर्मा अगर उनके मुकाबले में, उनके सामने हिंदुस्तानी भाऊ नॉमिनेशन में नहीं आते हैं, तो फिर माहिरा शर्मा आ सकती है दिक्कत में। दोस्तों, फिर माहिरा शर्मा घर से बेघर इस हफ्ते हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि मैंने कल रात वैसे बोला था कि माहिरा शर्मा बहुत जल्द, उसका एक और भी रीजन है, बिग बॉस के घर से हो जाएंगी बेघर। तो लेकिन क्या इस नॉमिनेशन के बाद ही माहिरा शर्मा बेघर होंगी बिग बॉस के घर से? खैर, होंगी नहीं होंगी, लेकिन हिमांशी खुराना ने निकाल लिया है अपना बदला। तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपनी राय बताइएगा। देखते रहिए आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।